क्या धर्म जो है वो कपड़ों पर, वस्त्र पर, वेशभूषा पर आधारित है या फिर कर्मों पर आधारित है? क्या मैं जींस में धर्म का प्रचार नहीं कर सकती क्या? धर्म तो देखो कर्म पर ही आधारित है। भगवा पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। आपने भगवा पहन लिया तो ही आप साधु हैं। भीतर से सन्यासी होना जरूरी है। आज क्या है, भीतर से तो सब संसारी हैं। जितने साधु महात्मा घूम रहे हैं बड़ी बड़ी लैंड रोवर में, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े आश्रम बनाकर लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और धर्म के नाम पर कोई प्रचार नहीं करते। एक रत्ती भर का किसी को स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं देते आज के सन्यासी, 80% मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो साधु नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर से तो वो पहन गए हैं भगवा, लेकिन भीतर से वो संसारी हैं। तो जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन लेकिन एक फैक्टर है भी, कलर तो नहीं लेकिन कपड़ों का तरीका। अब आप कहें कि मैं शॉर्ट्स पहन करके और मैं जा करके धर्म के मंच पर भाषण दूँ तो वो अमर्यादित हो जाएगा, वो अशोभनीय हो जाएगा। कलर कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पहन क्या रहे हैं वो जरूर मैटर करता है। क्यों आज इतने सारी विदेशी महिलाएं जो बिकनी में घूमती थी अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, उल्टे सीधे फटे हुए कपड़े पहन के घूमती थी, आज वो भारत आके साड़ी क्यों पहन रही है? भाई वो तो सनातन धर्मी बन गई तो वही वही कपड़े कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन क्योंकि इन कपड़ों में वो भाव है।